Right, we have some more breaking news coming in. The death toll in Bulandshahr has risen to 2. Now, one civilian has also been killed, and this has been confirmed by the Meerut AGG. The civilian has been identified as Sumit. The death toll rising to 2. Now, we have Rakesh Tripathi still on the phone line with us. Mr. Tripathi, is not just one policeman, but also a civilian who has lost his life. मैंने अभी आपसे बातचीत में पहले ही कहा कि एक कार्यकर्ता एक जनता की तरफ से भी एक मृत्यु हुई है. ये मृत्यु पुलिस की गोली से हुई है या पत्थर से हुई है, ये सारी बातें अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कही जा सकती हैं. लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, घटना घटी है जिसमें कोतवाल और एक सिविलियन एक सामान्य नागरिक की मृत्यु हुई है. पूरे मामले की जांच के लिए आदेश किए जा रहे हैं और एक SIT इस पर गठित की जाएगी ताकि सारे पहलू उसमें निकल करके आए कि घटना कैसे इतने विकराल रूप तक पहुंची और कौन लोग थे जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है. मिस्टर त्रिपाठी, आई हैव अ लार्जर क्वेश्चन टू यू, नॉट स्पेसिफिक टू दिस. इफ द उत्तर प्रदेश पुलिस आर नॉट सेफ, हाउ डू यू एक्सपेक्ट द सिविलियंस ऑफ उत्तर प्रदेश टू फील सेफ? एंड प्लीज डोंट टेल मी यू ऑर्गेनाइज SIT इन द मैटर, जांच बिठाई गई है. प्लीज डोंट टेल मी दैट. जस्ट टेल मी व्हाट इज योर मैसेज टू द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश इफ अ पुलिसमैन इज नॉट सेफ इन द स्टेट. देखिए, वहां पर पुलिस की संख्या कम थी और अचानक से ही जब भीड़ की संख्या वहां ज्यादा भीड़ हो गई तो इस भीड़ का लाभ उठा करके कुछ अराजक तत्वों ने ही निश्चित तौर पर ऐसी घटना का अंजाम दिया है. इसके पीछे कोई षड्यंत्र पहले से सुनियोजित रहा है या आकस्मिक स्थितियां वहां पर इस प्रकार की उत्पन्न हुई और ऐसी घटना घटी है, ये सारी बातें जांच से ही पता चलेंगी. मुझे लगता है कि अभी जल्दबाजी में कोई भी बात कहना, किसी निर्णय तक पहुंचना, ये बहुत न्यायोचित नहीं होगा. Mr. Tripathi, please stay with us on the phone. Also joining us, we do have Mr. Vikram Singh as well joining us. He's a former DGP. Mr. Singh, you've seen what has happened in Bulandshahr. Now, the policemen of Uttar Pradesh are not safe because a mob can just come, set the police station on fire and walk away as if nothing has happened. Right, we seem to have lost that phone line there, but the shocking incident coming in here from Bulandshahr where a mob has set a police station on fire. A cop has lost his life as a result of this. Sub-Inspector Subodh Kumar of the Saina police station has lost his life because there was a mob that set a police station on fire over rumours.